सो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आज के वीडियो में कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अपने माइक्रोफोन को शिफ्ट किया है, मतलब मैं पहले ये माइक्रोफोन यूज करता था जो एक होममेड माइक्रोफोन है, जो मैंने ईयरफोन को काट फोड़ के बनाया था। अब समझ ही सकते हो इंडियन लोगों का जुगाड़। बट दोस्तों अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रहा है और ये माइक्रोफोन JBL की तरफ से आता है, जिसका नाम है JBL कमर्शियल CSML 20B, जो एक क्लियर माइक्रोफोन है। और मैंने इस माइक्रोफोन को क्यों चूज किया, मतलब फॉर मेकिंग वीडियोस, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए किसी भी वीडियोस या किसी भी कैटेगरी में। बात तो सही है। So, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं इस माइक्रोफोन के बारे में हर डिटेल्स एंड द रीजन व्हाई आई शिफ्टेड टू दिस माइक्रोफोन। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ टेक। मेरा नाम है कमलेश मादी एंड यू आर वाचिंग टेक मी मोर। अब दोस्तों कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और बताएंगे इस डिब्बे में क्या क्या चीज आता है। अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें, इसमें इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। इसका एक पाउच आता है जिसके आगे में JBL का लोगो आता है। अगर हम इस पाउच को धीरे से खोले और देखें इसके अंदर क्या है, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। अरे दोस्तों होगा कैसे, क्योंकि माइक्रोफोन तो मेरे पास है। बट दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है, मतलब JBL ने दिया है। अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करें, इसमें इसका एक्स्ट्रा क्लिप आता है, एक्स्ट्रा विंडशील आता है। और विंडशील का काम है अगर आप बाहर वीडियो शूटिंग कर रहे हो या किससे बातें कर रहे हो या रूम के अंदर इंडोर में कहीं पर वीडियो बना रहे हो, तो ये विंडशील आपको हेल्प करेगा कोई भी एनवायरमेंटल विंड्स को ब्लॉक करने में। और अगर इसके कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, इसमें एक छोटा सा बैटरी आता है जो LR44 बैटरी है। इसमें एक कैरी पाउच आता है, TRRS कनेक्टर आता है जो आपको बेसिकली मदद करता है अगर आप अपने स्मार्टफोन से लैपटॉप या कैमरा में स्विच करते हो तो वो कनेक्टर आपको मदद करता है। बट दोस्तों आई थिंक मुझे ये कनेक्टर अभी यूज नहीं करना चाहिए और करूंगा भी क्यों, मेरे पास ना ही DSLR है और ना ही लैपटॉप है। मतलब मैं सब कुछ जो भी करता हूँ वो इस मोबाइल स्मार्टफोन के ऊपर करता हूँ और क्या करें, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब सपोर्ट करो। और सपोर्ट से एक चीज याद आया, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं इस माइक्रोफोन के बारे में जो जो बताने वाला हूं वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप तो जानते ही होंगे माइक्रोफोन का काम क्या होता है, बट दोस्तों अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या वीडियो क्रिएटर हो या कोई भी टाइप का क्रिएटर क्यों ना हो, और अगर आपको एक माइक्रोफोन चाहिए और आपका बजट भी थोड़ा लो है, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट वन। क्योंकि अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊं, इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 750 के करीब आता है और उस प्राइस रेंज में आई थिंक इट्स रियली गिविंग सम अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ द रीजन व्हाई आई हैव शिफ्टेड टू दिस माइक्रोफोन। मैंने आपको जैसे ही फर्स्ट में बताया था कि ये मैं इस माइक्रोफोन को यूज करता था, मतलब ये माइक्रोफोन नहीं है, ये एक नोकिया का ईयरफोन है जो मैंने जुगाड़ करके, मतलब थोड़ा समझ सकते हो, बनाया था इसको एक क्लिप फ्लिप लगा के। और अगर मैं इस जुगाड़ू माइक्रोफोन के ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं, दोस्तों आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने बेसिकली अपने हर वीडियोस में, मतलब हर प्रीवियस वीडियोस में यही माइक्रोफोन से शूट किया है। मतलब इसका ऑडियो इतना भी कोई खास नहीं है, बट दोस्तों ये मतलब एक प्रोफेशनल इस टाइप का माइक्रोफोन तो है नहीं, एक नॉर्मली ये वाला माइक्रोफोन है और ये आप देख सकते हो क्या करना पड़ता है। और दोस्तों मैंने इस माइक्रोफोन में इसीलिए शिफ्ट किया क्योंकि इसका ऑडियो क्वालिटी क्लियर भी है एंड समहाउ क्रिस्पी भी है। और दोस्तों आप तो ये ऑडियो सुन सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये ऑडियो क्वालिटी इसका कैसा है। और मैंने जो ये प्रीवियस माइक्रोफोन यूज करा था, इसमें मुझे चिल्ला चिल्ला के मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता था, बट इस माइक्रोफोन में मैं नॉर्मली बातें करता हूं और मुझे चिल्ला चिल्ला के बातें करने का कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बताऊं, इसका जो कैप्सूल है वो फुल मेटल बिल्ड है और उसका जो माइक्रोफोन है वो प्लास्टिक बिल्ड है। और अगर हम इसका वायर क्वालिटी के बारे में बात करें, दोस्तों इसका जो वायर क्वालिटी भी बहुत मस्त आता है। दोस्तों माइक्रोफोन का मुझे एक चीज बहुत मस्त लगता है, चाहे आप अपने कैमरा से शूट कर रहे हो या मेरी तरह अपने मोबाइल में, ये माइक्रोफोन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन एनवायरमेंटल नॉइस रिडक्शन, जो आपको हेल्प करता है टू गेट अ बेस्ट क्वालिटी ऑडियो। अगर अभी मैं कंपेयर करूं विथ माइक्रोफोन एंड विदाउट माइक्रोफोन, तो दोस्तों अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो मेरे नॉर्मल स्मार्टफोन के कैमरा के माइक से, और मेरा वॉइस इतना भी कुछ क्लियर नहीं होगा और मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। बट दोस्तों ये माइक्रोफोन मुझे हेल्प करता है टू गेट दिस टाइप ऑफ ऑडियो। सो दोस्तों यही था डिटेल्स इस माइक्रोफोन के बारे में। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस माइक्रोफोन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके सिंपली वहां पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। सो दोस्तों यही था डिटेल्स इस माइक्रोफोन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों टुडेज वीडियो इज एंडिंग ऑफ हियर। अगले वीडियो आने तक डू दैट एंड मेक्स यू अवसम एंड टेक केयर।